आप लोग भी विदाउट इनकम प्रूफ क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हो। देखिए, हालांकि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर 3 स्टेप पर आप लोगों को कार्ड मिल सकता है। पहला पर्सनल डिटेल, दूसरा केवाईसी डिटेल्स और तीसरा यहाँ पर कार्ड गेट। अब देखिए, यहाँ पर जो कार्ड मिलेगा आपको वो मिलेगा कोटक महिंद्रा बैंक के थ्रू से। जो इनके लेंडिंग पार्टनर है वो है कोटक महिंद्रा बैंक और कार्ड जो रहेगा मिंत्रा का रहेगा। अब इस कार्ड को लेने के लिए आप लोगों को एक एप्लीकेशन डाउनलोडिंग करना होगा, जिस एप्लीकेशन का नाम है मिंत्रा, और इसको आपको डाउनलोडिंग कर लेना है। डन। डाउनलोडिंग करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पे लॉगिन करना होगा। मैं आपको सारा प्रोसेस बताऊंगा कि यहाँ पर कौन से आइकन पे आप लोगों को अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा। देखिए, इनकम प्रूफ नहीं देना होगा, लेकिन सिविल स्कोर की तो 100% रिक्वायरमेंट है ही है। तो ठीक है, हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। ओके, सो फाइनली जो है यहाँ पर हमने लॉगिन कर लिया है। डन। लॉगिन करने के बाद आप लोगों को स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करना है नीचे साइड। आपको यहाँ पे पॉपअप शो हो जाएगा कार्ड अप्लाई करने का। ठीक है, यहाँ पे जो कार्ड मिलेगा आपको ये मिलेगा कोटक महिंद्रा बैंक के थ्रू से, और इनके जो लेंडिंग पार्टनर है वो कोटक महिंद्रा बैंक है। हालांकि कितने परसेंट आपको रिवार्ड पॉइंट है देख लीजिए साहब। अगर आप मिंत्रा पे शॉपिंग करते हो इस कार्ड पे, तो आपको 7.5% का डिस्काउंट मिलेगा। मिंत्रा का गिफ्ट कार्ड मिलेगा आपको 1,000 रुपीज का, और अनलिमिटेड कैशबैक है 1.2%। ठीक है, लॉन्च एक्सेस है, 4 लॉन्च एक्सेस मिलेंगे आपको इस कार्ड में। बेटर है, हमारे कार्ड में तो 2 लॉन्च एक्सेस दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पे 4 मतलब 4 लॉन्च एक्सेस है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ प्री अप्रूव क्वालिफाई। अब देखिए, यहाँ पर हम लॉगिन करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास बैंक की तरफ से एक ओटीपी आएगा। ओटीपी हमें यहाँ पे डालना होगा। ठीक है, ओके, ओटीपी हमारे पास आ चुका है, तो मैं ओटीपी वाली चेक कर लेता हूँ। ओके, सो डन एंड 3847। ठीक है, ओटीपी हमें वेरीफाई कर देना है। डन। वेरीफाई करने के बाद आप लोगों को ओके प्लीज ओटीपी रिकैप्चर 840 348, राइट 348 ओटीपी, तो ठीक है। ओके, सो यहाँ पे देना है आपको पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, जेंडर। ठीक है, ये चीजें हम कंप्लीट करते हैं। ओके, सो सारी डिटेल यहाँ पे हमने फिल कर दी है। बैक टू मिंत्रा लोडिंग हो रहा है, अलाउ कर देंगे। हमें एक्सेस को भी अलाउ करना होता है। तो देखिए, जो मेरा पैन नंबर है ना, जो मेरा पर्सनल पैन नंबर है, वो ऑलमोस्ट पहले से मेरा उस पैन से बैंक अकाउंट है। जब भी आप पैन नंबर यहाँ पे फिल करोगे तो ये आपको पॉपअप शो हो जाएगा। अगर आपके पास कोटक महिंद्रा बैंक का अकाउंट है और आपने वो मतलब अकाउंट आपका चालू है, तो यहाँ पे पॉपअप शो हो जाएगा, और यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि दिस इज द सीआरएन नंबर। कोटक महिंद्रा बैंक का जो सीआरएन नंबर है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा, और जो कोटक महिंद्रा बैंक का मोबाइल नंबर रजिस्टर है वो यहाँ पे फिल कर दीजिएगा, और नीचे साइड टिक मार्क करके नेक्स्ट कर दीजिएगा। और अगर आपका कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट नहीं है, तो डायरेक्टली ये प्रोसेस हो जाएगा। मेरे इस केस में मेरा अकाउंट है, तो ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो गया है, क्योंकि यहाँ पे अभी मैं सीआरएन नंबर निकालूंगा, फिर डालूंगा, फिर ओटीपी समथिंग, ये चीजें मुझे फिल करनी होगी। तो इसलिए जो है अभी मैं इसको यहाँ पर स्किप करने वाला हूँ। डन। अगर आप लोगों को अप्लाई करना है इसमें, तो भाई आप मिंत्रा एप्लीकेशन को डाउनलोडिंग कर लीजिए, आपको कोटक महिंद्रा बैंक का कार्ड मिल जाएगा, अगर आपका सिविल बेटर हुआ तो।